नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है या चालू हो रहा है उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहें और बीच में ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले दिक्कत हो सकती है आपकी बैटरी। शायद आपके लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई हो या पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई हो, तो आपको अपना ये लैपटॉप पूरी रात चार्ज में लगा के छोड़ देना है। शायद सुबह तक आपका जो लैपटॉप है ठीक हो जाएगा, पर अगर नहीं होता है तो आप दुकान पर जाके चेक कर सकते हैं या चेक करवा सकते हैं। आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है उसे चेक करवाइए और उसमें नई बैटरी डाल के देखिए। अगर चलता है तो नई बैटरी खरीद लीजिए, अगर नहीं चलता है तो नई बैटरी मत खरीदिए। अगर बैटरी की दिक्कत नहीं है तो मैं बताया था दूसरी दिक्कत क्या हो सकती है। इसमें आपके लैपटॉप की रैम ख़राब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कंप्यूटर में रैम होती है, ऐसे लैपटॉप में भी रैम होती है। तो यहाँ पे आपके लैपटॉप की रैम ख़राब हो गई है तो आपको उसे ठीक करवाना पड़ेगा या उसमें नई रैम डलवानी पड़ेगी। इसके बाद आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।